दोस्तों, जब भी हम एमएस वर्ड सीखना शुरू करते हैं तो आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है, वो होता है आपका बुकमार्क का ऑप्शन। अब दोस्तों, जब भी हम इस ऑप्शन के बारे में शुरू में किसी से पूछते हैं तो आपको एक जवाब ज़रूर मिलता होगा कि इस ऑप्शन का कोई काम नहीं होता, आप आगे बढ़िए और इस ऑप्शन को छोड़िए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। बुकमार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस वर्ड में, जिससे आप अपना काम और भी आसान तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बुकमार्क ऑप्शन के बारे में और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बुकमार्क ऑप्शन से आप क्या क्या काम कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में, जहां पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड एंड मोबाइल रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे और आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं और साथ ही में एक रेड कलर का आइकन है, मतलब सब्सक्राइब आइकन, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की वीडियो में समझाएंगे आपको बुकमार्क के बारे में, जो कि होता है हमारा इंसर्ट टैब के एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। जो बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट टैब में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बुकमार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है बुकमार्क। बुकमार्क मतलब क्या होता है कि एक मार्क लगा देना कि आपने वहीं से वो चीज़ आपने याद कर लेनी है। मतलब जैसे कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है पूरा। अब आपने ब्रेक लेनी है बीच में और आप चाहते हैं कि आपने एक बुकमार्क लगा देना कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस डॉक्यूमेंट में आए तो आप वहीं से रीडिंग अपनी कंटिन्यू करें, तो इसके लिए यूज़ होता है बुकमार्क। तो बुकमार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एमएस वर्ड में जो दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, बुकमार्क लगाने के लिए आपको दिखाने के लिए कि लेट्स से कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है डॉक्यूमेंट, लुक तक यहाँ पे हमने पढ़ लिया है, अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हम यहीं से कंटिन्यू करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि हमने यहाँ तक पढ़ा है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर कर लिया, चाहे आप ब्लैक भी रहने दे सकते हैं इसको, और आपकी मर्जी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर किया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम बुकमार्क लगा दें कि नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो हम यहीं से रीड करें। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ तक पढ़ा है आपने उसके आगे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका बुकमार्क का, तो सिंपली आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपसे मांगेगा बुकमार्क का नाम, तो हम यहाँ पे बुकमार्क का नाम दे देते हैं, लेट से हम यहाँ पे दे देते हैं डॉक्यूमेंट लुक, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखे डॉक्यूमेंट लुक। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप बुकमार्क का नाम दे तो आपने स्पेसेस नहीं देनी है बुकमार्क में, ठीक है, मतलब आपने विदाउट स्पेस यहाँ पे नाम लिखना है बुकमार्क का और उसके बाद आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हो गया ये ऐड आपका, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लोज कर देना है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो इसको सेव भी कर लेना है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं और इस बार हम सेव कर लेते हैं इसको अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, और इस बार हम सेव कर लेते हैं लेट से बुकमार्क के नाम से, ओके, और एंटर प्रेस कर लेते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुकमार्क के नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। तो सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारा बुकमार्क का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब हमने वहीं से रीडिंग करनी है जहाँ से हमने छोड़ा था, तो सिंपली आपने अगेन इंसर्ट टैब में जाना है और बुकमार्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट लिख है लिंक जो आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट लुक, इस पर आपने सिंपली डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आप वहीं पे पहुँच गए जहाँ से आपने छोड़ा था। तो दोस्तों, ये होता है बुकमार्क और ऐसे काम करता है एमएस वर्ड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही में अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स तो आप हमारे सेकंड चैनल लर्न विद डॉक्टर दीप्ति पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आप क्लिक करके इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।